उन्होंने अपनी वजीर अली पंजाब खातून होने का पहला आ, जो स्टेप है वो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से किया है हरासमेंट खातिन की स्पेशली चाहे वो वर्क प्लेस पर हो चाहे वो घरेलू तशद का मामला हो उस पर कोई उनकी आ, जो है टॉलरेंस नहीं है वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंडर अगर आ, आप वन फाइव पर कॉल करेंगे या से से वन सेवन थ्री सेवन की हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे तो आपको विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर अलॉट होगी अगर अभी आपने आवाज ना बुलंद की तो कभी भी नहीं कर सकते और हम सब आपके साथ खड़े हैं, स्टेट आपके साथ खड़ी है पुलिस आपके साथ खड़ी है सेफ सिटी अथॉरिटी आपके साथ खड़ी है अदारा आपके साथ खड़ा है सामेकुम नाजरीन गुड मॉर्निंग सेफ सिटी से के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अली और मैं हूं जुबैर शारक कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के आज का दिन बहुत खुशगवार होगा आपका कैसे दिन का आपका आगाज़ हो चुका हुआ है मेरे ख्याल नाजरी तमाम आप अपने घरों से बाहर निकल चुके होंगे अपने रोज़ाना के जो भी आपके अमूर हैं उनको सर अंजाम देने के लिए तो आपकी आपकी आज की जो सुबह है उसको मजीद खुशगवार बनाएंगे जिस पर्सनैलिटी को आज हमने अपने प्रोग्राम में मदू किया है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं ख़वात के लिए बहुत से इनिशियटिव लेती रहती हैं बहुत से डिफरेंट काम करती हैं नैन अदर देन मेंबर प्रोवेंशल असम्बली हैं जी मिस हिना परवेज बट मैम को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और उनसे जानते हैं कि ख़्वीन के तहफ़ के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रही हैं और किस तरह से उसको यकीनी बना रही हैं अल्लामीक मैम बसमीम अल्लाम ताहिरा एंड ज़ुबैर साहब बड़ी अच्छी सुबह है क्योंकि मैं कभी किसी मॉर्निंग शो पर नहीं आती और so much, आज पहली दफ़ा मैं आई हूँ एंड आई एम हैप्पी टू बी एट द पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का फर्स्ट टाइम जो

पहला वेब चैनल बनाना मॉर्निंग करना, आई आई थिंक थिंक दिस दिस इज़ इज़ इनक्रेडिबल एंड समथिंग वी नीड टू रीब्रांड द इमेज मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सुबह पंजाब जिसकी तकरीबन साढ़े बारह करोड़ आबादी है और साढ़ साढ़े बारह करोड़ आबादी ये मेल डोमिनेटिंग वैसे कहलाया जाता है और इस सूबे के अंदर एक खातून का चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना मैम इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं और अब किस तरह से ख़ुतियों की दाद रसीम मज़ीद अच्छे तरीके से हो सकती है देखें पहले तो ये पंजाब की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ख़ातून वज़ी अली पंजाब आई हैं और जिस तरह आपको पता है कि मरीम नवाज़ शरीफ़ साहिबा एक बहुत बहादुर और करेजस ख़ातून है बिल्कुल अगर हम थोड़ा सा पुराना टाइम देखें भी 2018 में भी जब विक्टिमाइजेशन हुई थी और मियाँ साहब पे फेक केसेस बनाए गए तो उनने अपने वालिद के आगे खड़े होकर आई डरी नहीं तो उन्होंने तब एक बहादुर बेटी का Uh, करदार अदा किया लेकिन उसके बाद हमने उनको देखा पी एम एल एन के अंदर उन्होंने जिस तरह पार्टी लीडरशिप संभाली वो पार्टी की वाइस चेयरमैन आई उन्होंने विंग्स बनाए माइनॉरिटी विंग बनाया वन नंबर ग्रुप्स का तब भी उन्होंने खातन का विंग uh, बनाया जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था उसके बाद अब अलहद ला uh, पंजाब की पहली चीफ़ मिनिस्टर बनाया है और उनकी पहली स्पीच पंजाब असम्बली में थी और मेरे सुन के हम लोग सब के आंखों में आंसू भी आ गए कि वो कितनी एम्पति रखती हैं खवतिन के लिए बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि ख़वा मेरी रेड लाइन है किसी भी किस्म का वायलेंस किसी भी किस्म का तशद किसी भी किस्म का आ, कोई भी केस ऑफ रेप या हरासमेंट खातिन की स्पेशली चाहे वो वर्क प्लेस पे हो चाहे वो घरेलू तशद का मामला हो उस पर कोई उनकी आ, जो है टॉलरेंस नहीं है उन्होंने नेवर अगेन कैंपेन शुरू की इसी तरह हम सेफ सिटी में भी देख लें तो जिस तरह वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन लॉन्च हुए कुछ दिन पहले चाइल्ड सेफ्टी पुलिस स्टेशन भी लॉन्च हुए तो मैं इसका क्रेडिट मरीम नवाज़ साहिबा को देती हूँ और मैं कहती हूँ जो ख़ातून वज़ी अल एक पोजिशन पर हों क्योंकि वो ख़ुद बेटी भी हैं ख़ुद माँ भी हैं ख़ुद बहन भी हैं वो ज़्यादा ख़वान का एहसास कर सकती हैं और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया तो उनके अंडर मैं यही समझती हूँ कि पंजाब की जो आवाम है अपनी खा सारी खुत अपने आप को महफूज समझें आपके लिए वन फाइव का एक नंबर भी एग्जिस्ट करता है उस पर वो बच्ची बच्चियाँ जो भी खुदा खास्ता किसी भी किस्म का वायलेंस किसी भी किस्म का तशद ख़ुदा खास्ता कोई रेप केस हो या और भी कोई भी ज़्यादती हो आप वन फाइव पे कॉल भी कर सकते हैं और वन फाइव पर आपको वो फैसिलिटी मिलेगी कि आपको खुद नहीं थानों में जाना पड़ेगा पुलिस आपकी एफ़ आई आर भी दर्ज करेगी इन्वेस्टिगेशन भी करेगी और आपको डोर स्टेप पर इंसाफ मिलेगा बिल्कुल तो मैम आप ख़ुद भी जो पंजाब की वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है पंजाब अथार्टी इसके चेयरपर्सन भी हैं तो क्या समझती हैं कि खुतिन के लिए ऐसे इकदाम कितने ज़रूरी हैं और किस हद तक अब पहले से ज़्यादा खुवान के प्रॉब्लम्स को देखा भी जा रहा है और उसको फिर हल भी किया जा रहा है देखिए हर हर उदे के साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है मुझे जैसे लगता है कि मुझे अल्लाह ताली ने अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो मैं सिर्फ नॉट ओनली अपनी अपने आप को जवाब दें अपनी सी एम पंजाब को जवाब दें मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह को जवाब दें कि अगर मेरे अंडर ये अथॉरिटी काम कर रही है तो मैंने ख़ुतिन को इंसाफ दिया कि नहीं मैंने अपने अभी मुझे दो हफ्ते हुए हैं जॉइन किए हुए मुझे अ, नोटिफिकेशन हुआ तो मैंने अपनी ये रिस्पांसिबिलिटी समझी कि मैं सारी डिस्ट्रिक्ट्स को विज़िट करूं तो अलहमदिल्ला मैंने अ, सानिया जहरा का केस से स्टार्ट किया मुल्तान में गई उसकी फ़ैमिली से मिली उसके अभी फॉरेंसिक जो है वो लाहौर में है उसकी चीज़ें आनी है मैं जेलम गई झेलम में बहुत से केसेस ऐसे थे जैसे साइबर बुलियन के थे जिसमें बहुत सी खुवात साइबर बुलियन और आ, आ, ए, ब्लैक मेल में आके ख़ुदाखास्ता सुसाइड कर लेती हैं इसके बाद मैं उकाड़ा गई मैं खुशाब गई मैं सारी डिस्ट्रिक्स अलहमद ला मैंने बारह अभी तक विज़िट कर ली हैं Uh, और बाकी मैंने आने वाले दिनों में करनी है अभी कल मैं आ, रा, रावल पिंडी चकवाल और हाफज़ाबाद गई हूँ और वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारी डिस्ट्रिक्स में जब मैंने ऑन ग्राउंड विज़िट किया तो वहाँ मुझे वर्चुल पुलिस स्टेशन वन मिला और मुझे वो ट्वेंटी फोर आवर्स देखा वो काम भी करती हैं ख़्वीन दर आ, जो है वो फ़ौरी कम्प्लेंट भी दर्ज कर रही हैं और वन फाइव का बहुत से लोगों को पता भी है तो मैं बड़ी खुश हुई बिकॉज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने हर जिले में जाके आ, 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 औरतों को जो जो विक्टम्स हैं मैं सब विक्टम्स को खुद मिल रही हूँ उनके घरों में जा रही हूँ क्योंकि कई दफ़ा जो रिपोर्टिंग होती है वो शायद सही नहीं होती मीडिया तो कई दफ़ा सही रिपोर्ट नहीं करता तो खुद जाके जब आप विक्टम से मिलते हो तो आपको पता चलता है फिर मैं ये भी मेक श्योर sure करती हूँ क्योंकि एफ दर्ज हुई है फिर तो ये, ये भी मेक श्योर sure करती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में अगर एक्यूज है तो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है मैम जिस तरह आप बता रही हैं कि आप बहुत से डिफरेंट डिस्ट्रिक्स का विजिट कर भी चुकी हैं और आने वाले दिनों में पाइपलाइन में भी है कि आप सारे डिस्ट्रिक्स का विजिट कर रही हैं तो देही इलाकों में मुझे बताएं कि वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ कुछ हद तक एजुकेशन भी उस तरह से नहीं होती लोगों को अपनी अवेयरनेस के मतलब जो राइट्स हैं खातन के उस हवाले से भी नहीं पता होता तो क्या समझती हैं क्या स्टेप्स लेने की मजीद ज़रूरत है ताकि औरत को बताया जा सके कि उसके क्या बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि औरतों को पता होना चाहिए उनकी क्या राइट्स है सबसे पहले तो मुझे लगता है शायद आपको भी नहीं पता होगा वायलेंस अगेंस्ट वमेन बिल टू में आया और बहुत सी औरतों को नहीं पता शायद हमारे अपने लोगों को नहीं पता होएगा बिकॉज ऑब्वियसली इसमें बहुत आ, जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस रही है तो मैं आपको भी बताती चलूँ कि सबसे पहले दो में हमने शबाज शरीफ साहब की हकूमत तब थी मैं उस मेम्बर भी थी उस कमेटी की जो वायलेंस अगेंस्ट वेमेन बिल टू पास किया उसको आप पढ़ें भी और उसको आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखें कि उसको पढ़ के अपने चैनल के थ्रू लोगों को बताएं उसके बाद 2017 में वायलेंस अगेंस्ट विमेन अथॉरिटी कायम हुई जिसमें हमने पहला वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर मुल्तान जो है वो बनाया और कभी आपको उसका भी विजिट कराऊंगी उधर भी आप एक शो करना अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर वहाँ सारी आपकी خواتین को रिहैबिलिटेशन uh, आपकी साइकोलॉजिस्ट आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर एवरीथिंग इज अंडर द रूफ अब so मैं इंशाल्लाह ताला इस uh, में मेक श्योर करूँगी कि रूरल अवेयरनेस कैंपेन जो है वो एग्जिस्ट करे uh, अब भी हमने जैसे मुल्तान की रूरल ख़वा को uh, इसमें स्टार्ट किया है लेकिन अब uh, इस ए डी पी में हम हमने दो लाहौर का और फैसलाबाद का प्रोटेक्शन सेंटर जो है वो स्टार्ट uh, इन कराएंगे और उनको भी स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनाएंगे और मैं आज आपके चैनल uh, से ही ये बताना चाहती हूँ कि प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वेमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंडर अगर आ, आप वन फाइव पर कॉल करेंगे या वन सेवन थ्री सेवन की हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे तो आपको वेमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर अलॉट होएगी वो आपके यहाँ सारे प्रोसिक्यूशन के मामला, वो आपके लॉयर्स के मामला वो आपकी रिहेबलीटेशन आपको साइकोलॉजिस्ट आपको एडवोकेसी आपको शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड करेंगे तो प्लीज आप तो एक कॉल की, की, की दूरी पे है, है सारी सारी और सारी अब भी हम इंशाल्लाह उनका डेटा बेस भी, भी हमारे साथ शेयर हुआ और उनके साथ भी हम इंशाल्लाह और आ, आ, इस अथॉरिटी को मजबूत करेंगे और हमारी शवतन जो है वो महफूज रहेंगी मैम वजी पंजाब साइबा का एक बहुत ही तो मैम आप क्या समझती हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी और इस तरह के खातून खीन के लिए ऐसे इनिशिएटिव के जो इकदाम हो रहे हैं वो कितने ज़रूरी हैं देखिए इससे ज़्यादा इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती थी उन्होंने अपनी आ, आ, वजीर अली पंजाब खातून होने का पहला आ, जो स्टेप है वो वर्चुअल वमेन पुलिस स्टेशन से किया है और मैंने जितनी भी डिस्ट्रिक्स गई हूँ वहाँ मैंने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन विज़िट किया आज भी मैंने इधर लाहौर वाला भी किया है अलहमदुल्लह स्टेट ऑफ द आर्ट आप वन फाइव पर कॉल करो आपको बच्चियों को कई दफ़ा बुरा लगता है यू नो वैल्यूबल ग्रुप्स को बच्चियों को हमारी बहनों को बेटियों को आ, अगर खुदा ख़ुदान खास्ता वो डोमेस्टिक वायलेंस से गो, गो थ्रू हो रही हूँ वहाँ घरेलू तशद से गो थ्रू हो रही हूँ तो उनको बड़ा बुरा लगता है ये चीज़ रिपोर्ट करना

कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है एक तो पहले उसको ये बताना कि स्टेट आपके साथ खड़ी है पुलिस आपके साथ खड़ी है Definitive. सेफ सिटी अथॉरिटी आपके साथ खड़ी है अदा आपके साथ खड़ा है आपको कुछ नहीं कोई होने देगा सबसे इंपॉर्टेंट ये है अभी तो लोग दर्ज नहीं करते इसलिए बिकॉज दे इज केयर्ड लेकिन जब ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमारी सी ने ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम किया है इससे खुतिन अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर रही हैं और ये आई थिंक बहुत अच्छा रिशेट आप ख़ुद भी खातून हैं और सियासत जैसी मुश्किल चीज़ किस तरह से मैनेज करती हैं एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता फैमिली को भी मैनेज करना और फिर सियासत को भी और इतना एक्टिवली हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करना तो घर की लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट तो होती होगी तो बच्चे कंप्लेन नहीं करते इस हवाले से एक बेटा है मेरा कई दफ़ा मुझे कहता है कि मामा आप जरा थोड़ा बाहर जाया करें ज़्यादा मुझे टाइम देती है घर पे। अच्छा। आई थिंक जिंदगी में लाइव चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना इम्पोर्टेंट होता है हर चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करो आपका अल्लाह साथ रिलेशनशिप होता है सबसे पहले आप उसको अपनी नमाजों को प्रायरटाइज करो फिर आपके वाले होते हैं वाले को उनके साथ अच्छा सलूक करना फैमिली काम so सब सबकी एक चीज़ होती है आप ओवर उपसेस नहीं करते लेकिन बिल्कुल आपने जो बात की सियासत में मैं जरूर कहूँगी खुतिन के लिए एक बहुत जो नेगेटिव चीज़ है के ट्रोलिंग होती हैं उनकी ठीक है फ़ेक वीडियोस उनकी वायरल होती हैं अभी आपने देखा हमारी में मिनिस्टर आजमा बुखारी के साथ क्या किया ये बहुत ट्रोलर्स फ़ेक वीडियोस करते हैं बना के आपको कदार करतार खुशी करते हैं या आ, सोशल मीडिया पे आपकी बहुत ट्रोलिंग होती है उससे डेफिनेटली आपकी फैमिली लाइफ अफेक्ट होती है आप ख़ुद भी अफेक्ट होते हो औरतों के लिए सबसे इम्पॉटेंट उनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट होती है और उनके अपने घर भी होते हैं तो ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी मुश्किल होती है और मैं एज अ पर्सन आई एम फ्राम लम्स मैंने आई डिड माई बी एस सी ऑनर्स फ्राम लम्स आई डिड माई एम बी ए फ्राम लम्स एंड आई एम नॉट फ्राम अ पोलिटिकल फैमिली अच्छा सो मैं पहली दफ़ा सियासत में दो हज़ार दस में आई और मुझे चांस मिला 2013 में ये बाय चॉइस नहीं पाई जी मैंने 2010 में अपना एमबीए किया उसके बाद आई वाज वर्किंग 2013 में मुझे चांस मिला uh, मैं आपको थोड़ी सी जर्नी शेयर करूँ कि Uh, मैं uh, मेरा पहले एक फ़ैशन बिजनेस था 2010 में मैंने वो लॉन्च किया उसके अंदर मैं होम बेस्ड वर्कर्स के साथ काम कर रही थी लेकिन जब मैंने होम बेस्ड वर्कर्स के साथ काम किया तो मैंने देखा कि उनके बहुत से राइट्स right जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे तो 2013 में मुझे मौका मिला सियासत जॉइन करने का मैंने बाय uh, चांस हमारी पी एम पार्टी की एक्स्ट्रा uh, सीट्स आ गई टू थर्ड से ऊपर विक्ट्री हुई आपको पता मियाँ साहब को सब कितना uh, पसंद करते हैं तो तब बाय चांस मुझे मिला मैंने अपनी सीवी की और मैं चूज़ हो गई तो उसके बाद मैंने होम बेस्ट वर्कर्स बिल पे काम भी किया डोमेस्टिक वर्कर्स पे भी किया और ये जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बिल भी किया उसके बाद मुझे चांस मिला पॉलिटिक्स का तो दैट वाज द रीज़न तो आ, 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 कई, कई, मतलब च, कई चीज़ें आप चूज करते हैं लेकिन रास्ते अल्लाह ताला ने मुझे जैसे कह कि आप आपको रास्ता आपने चूज किया खिदमत खल के लिए तो कहना गलत नहीं होगा बस अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया और अल्लाह ताला ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अभी भी मुझे ये लगता है कि जिस तरह आप सियासत में आते हो ना लोगों को परसेप्शन देखना में आप लाइफ बहुत इजी लगती है लेकिन खुवान सियासतदानों की लाइफ इजी नहीं होती ठीक है mm. उनको ऑबियसली uh, आपने घर को भी देखना है अपनी फैमिली को भी देखना है बच्चियों ने अपने पेरेंट्स को भी देखना है अपने बच्चों को भी देखना है अपनी पूरी फैमिली को भी देखना है और इसके बाद आपने खुदाना खास्ता अगर आप अच्छे सियासतदान बनना चाहते हो तो आपको जॉब रेजोल्यूशन सबमिट कराना असम्बली में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बातचीत आपको अबूर हासिल होना पड़ता है ठीक है Definitely. तो ये चीजें uh, लोगों को लगता आसान है लर्निंग प्रोसेसदान भनना का बहुत से लोग होते हैं

ख़ीन के लिए ये पैगाम देना चाहूँगी कि कोई भी बच्ची अगर डोमेस्टिक वायलेंस से ख़ुदा नखास्त रेप से ख़ुदा नखास्त कोई भी जैसे आ, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं अभी जिनको सुसाइड कहा जाता है लेकिन असल में जब उनकी इंटेरोगेसन में जाते हैं तो वो मर्डर होती हैं तो ये चुप रहने से अगर अभी आपने, आपने आवाज़ ना बुलंद की तो कभी भी नहीं कर सकते और हम सब आपके साथ खड़े और मैं अपनी बच्चियों को अपनी बहनों को अपनी बेटियों को यही पैगाम दूँगी कि कभी भी अपने पर म बर्दाश्त नहीं करना जुल्म बर्दाश्त करना ही नहीं चाहिए और आ, अब अदारे अब हकूमत अब सी एम पंजाब अब सेफ़ सिटी अब ये हमारी यंगर पुलिस जो है वो भी ज़रूर आपके साथ खड़ी भी है और ये चैनल्स भी आपके लिए मौजूद हैं कोई भी बच्ची अपने आप को समझे कि अगर वो किसी भी ज्यादती से गुजर रही है तो कभी भी दाश्त नहीं करना चाहिए आ, हमारा जो रिलीजन है इस्लाम वो भी यही सखाता है कि खुवान के साथ हसने सलूक किया जाए बिल्कुल तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कायद अज़म ने भी यही कहा कि ख़वान को अपने साथ साथ लेकर चलो एक माशरा तब भी तरक्की कर सकता है अगर आपकी खातिन आपके साथ हो बिल्कुल तो हमारी ख़वात जो हैं आप आवाज़ बुलंद करें अपनी एजुकेशन लें और अपने करियर्स भी ज़रूर बनाएँ और वी फील प्राउड ऑफ सींगर पुलिस ऑफिसर्स जो अभी वर्चुअल पुलिस स्टेशंस भी चला रही हैं यंगर मैन ऑल्सो व स्पेशली वेमेन सो आप ही इस चेयर पे बैठ सकते हो जहाँ ताहरा बैठी हुई है तो आप सबके लिए यही पैगाम है कि आवाज़ भी बुलंद करनी है एजुकेशन भी लेनी है और ज़रूर कुछ ना कुछ करियर आ, करके अपने पेरेंट्स को पाकिस्तान को और हम सब प्राउड कर थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर योर टाइम जी नाजीन ये हमारे साथ ही मेमर ऑफ प्रोविजनल असम्बली प्रवेश भट्ट साहिबा जिन्होंने हमें बताया और समझाया कि ख़ातून पर अगर किसी किस्म का और ज्यादती हो रही हो तो उसको बर्दाश्त ना करें पुलिस की हेल्प फ़ौर लें हम लोग यहाँ मौजूद हैं मामले को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा छानबीन की जाएगी और आपको मुकम्मल इंसाफ दिलाया जाएगा